हुण तुसी प्लीज आराम करो, मैं तुहाडे लई हल्दी वाला दूध लेके आनी आ। आई एम श्योर जद मैं स्टेज तो डिग्गिया होवांगा घर च सब ने पता नहीं की किया होएगा, पर उस सिचुएशन च तू हार नहीं मन्नी ते क्विक एक्शन लेके अपनी आयुर्वेदिक नॉलेज नाल मेरी पल्स नू रेगुलराइज किया। इट्स रियली इंप्रेसिव मिस भक्ति दी शक्ति। बेबी जी चा किचन विच ले जा ते कढ़ाई विच ना स्लो गैस करके भुन दे। मैं आके ईशान वास्ते देसी घ्यो दी पिंगियां बनानियां। जद तो ईशान नाल हासे तो हासे होए ने ना उहदे शरीर विच ताकत दी बहुत कमी हो गई है। पता है दिव्याना मां दी तबीयत भी ठीक नहीं है। जदों दी ओह खराब खीर खाधी है ना उहनां दी जान नूं ते स्यापा ही पै गया। इत्थों तिकर कि उहनां दे गले दे विचों पानी दा इक घुट नहीं लंघ रिहा। ओह कहिंदे ने ना भगवान अपने भगतां दे सारे दुख हर लैंदा है, इसे तरह ईशान दे सारे दुख दिव्याना मां अपने उत्ते लै रही है। तुसी दोवें ना बस चुप ही करो, कोई मुसीबत नहीं आई ईशान दे उत्ते। मैनूं एक गल दसो, जे अजकल ईशान यूके विच हुंदा ते उत्थे पौड़ियां तों डिग जांदा फिर भी तुसी दोवां ने यही कुछ कहना सी? नहीं ना, तुसी ना अपनियां किसियां पिटियां गल्लां छड्ड दिओ हुण ते नवें जमाने दे नाल नाल अपनी सोच नूं भी बदलो। मम्मी मेरे पीले सूट दी ना चुन्नी लभ नहीं रही, तुसी देखी किते? आए हाए काव्या, तू ते इदां कह रही है जिदां बस तेरे को इक्को ही सूट होवे। जे इहदे नाल दी चुन्नी नहीं लभ रही तो तू कोई होर सूट पा लै। क्यों भरजाई जी? चाची मैं होर सूट तां पा लैंदी पर तुहानूं पता है हसिम्मी मेरी बचपन दी सहेली उहदे नाल घर हल्दी दा फंक्शन है ते मैं पीला सूट ही पाके जाना है। आए हाए ओ सिम्मी जिहड़ी अपनी भैन दे खुले खुले कपड़े पाके इधर उधर चलियावां घूमदी फिरदी रहिंदी सी, उहदा विआह देख लो भरजाई जी, कुड़ियां भी किन्नी छेती वड्डियां हो जांदियां ने। ओह एवें थोड़ी कहिंदे ने कुड़ियां चिड़ियां होंदियां ने। जवान हुंदे ही सहुरे घर उड़ जांदियां ने, पर एक गल चंगी है साड़ी काव्या दे नाल ये सारा कुछ नहीं होएगा, है कि नहीं? तुसी सारे जाने मैनूं इदां क्यों देख रहे हो? हुण सच तो मूँह तो नहीं मोड़िया जा सकता ना। अजकल दीआं कुड़ियां देखो किन्नियां पढ़ियां लिखियां ने, नौकरी पेशे वालियां ने, उत्तों शक्लों सूरतों भी किन्नियां सोहणियां सुनखियां हुंदियां ने। उहनां दे माँ प्यो भी उहनां वास्ते कोई चंगा रिश्ता नहीं लभ पाउंदे। ते फिर जिहड़ा मुंडा विआह कराउण वास्ते हत्थ फड़ेगा, जो हत्थ ही किसे काम दा ना होया अगले ने विआह कराउण की करना? ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਨਿਕਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਵਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਾਵਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਗਾ?
नाले जिन्नी छेती उन्हें इस गल की समझ लग जाए ना अगे चल के ओदे वास्ते ही चंगा होएगा। कुड़ी घट्टो घट कोई आस ते नहीं ला के रखेगी ना। कल किन्ने वेख्या कनिका, फिर तू ये क्यों भुलदी है कि जे पढ़िया लिखिया कुड़ियां घर विच बैठिया ने ना तो यह भी नहीं होया कि शरीरिक तौर पर कमजोर कुड़िया का विआह ना होया होवे। फिर ईशान पूरी कोशिश कर रहा है ना काव्या का हाथ ठीक करन दी। जे माँ काली ने चाहिया तो छेती काव्या के हाथ में जान आ जाएगी तो फिर तुसी सारे देखना किन्नी जल्दी उहदा विआह भी हो जाना है। बस सही वक्त आन ते माँ काली ने आपे ही सब कुछ ठीक कर देना है तो फिर काव्या के हाथ में जिहड़ी तकलीफ है ना उहदे विच उस विचारी का की कसूर। काव्या का तो अपनी किस्मत ते कोई जोर नहीं पर तेरा तो जोर है ना अपनी जुबान दे उत्ते। सो अगली बार तो सोच समझ के बोली ते कोशिश करी तेरे मुँहों अजिहा कोई शब्द ना निकले जिदे करके किसे दा दिल टुटे। समझी? सॉरी बीजी, सॉरी भरजाई जी। कुड़ियां चिड़िया होंदियां ने, जवान हुंदे ही सहुरे घर उड़ जांदियां ने। पर एक गल चंगी है, साडी काव्या दे नाल ये सारा कुछ नहीं होएगा। जेड़ा मुंडा व्याह कराने वास्ते हाथ फड़ेगा जो हाथ ही किसी काम का ना होया तो अगले ने व्याह करा के की करना? नहीं। जे मेरा हाथ नहीं ना ठीक हो सकता मां काली तो तुसी मेरी जान ले लो क्योंकि मैं अक चुकी हाँ रोज दिया वही गल्ला सुन सुन के। काव्या दरवाजा खोल। काव्या दरवाजा खोलो, साडे नाल गल करो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या साडी एक बार गल तां सुन, एदा थोड़ी करीदा हुंदा। काव्या तुसी जाओ भाभी, मैं किसी नाल कोई गल नहीं करनी इस वेले। काव्या जिद नहीं करीदी हुंदी, दरवाजा खोल। हां जी काव्या, भावे दो मिनट लई पर प्लीज दरवाजा खोलो। मैं क्या ना, तुसी जाओ इत्थों। लगता है काव्या इन्नी आसानी नाल दरवाजा नहीं खोलेगी, वो बहुत हर्ट है। रहन देने स्नेहा, शायद काव्या साडी गल नहीं मनन वाली। पर तुसी ऐदा क्यों कह रहे हो भाभी? स्नेहा, क्योंकि बंदा उदी गल मानदा है जिन्नू वो प्यार करदा है, जिदी वो परवाह करदा है। ते मैनू लग्या सी कि काव्या लई असी उदी भाभियां नहीं उदी सहेलियां भी ने, पर शायद असी उदे लई सिर्फ उदी भाभी है। खैर कोई ना, असी चलदे हां। तुसी दोवें इंपॉर्टेंट हो भाभी, तुसी दोवें मेरिया भाभिया ही नहीं मेरिया भैणा ते मेरिया सहेलियां तो भी वध के हो। इसलिए सारी जिंदगी मैं तुहाडे ते बोझ बन के रहांगी। तेनू सच्ची लगता है कि तू इस घर के मैंबरां लई कदे भी बोझ हो सकती है?
ਧੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਵਿਆ। ਲੋਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਦਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਨ ਬਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ, ਦਾਦੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਕਰੇ ਮੇਰ, ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਨ ਬਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਨ ਬਰੋ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਨ ਬਰੋ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਨ ਬਰੋ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਦਾ ਪੀਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਟਾਫ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਅਲਮੀਰਾ ਚ ਰੱਖ ਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਟ ਹੈਪਨ? ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ? ਨਹੀਂ ਗਗਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Because I don't want to disappoint my patients. Trust me, Vire. ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ।
काव्या तू इत्थे रुक। मैं देख दिया थैंक यू भाभी। दुल्हे दी दादी, दुल्हे दी चाची, दुल्हे दी चाचा, ये सब गिफ्ट्स तो पैक्ड ने। कनिका इधर दे। इतने सस्ते कपड़े पाके मेरा ईशान मंडप ते नहीं जाएगा। ओ भाभी, ये सारे गिफ्ट्स तो डिम पापा ब्याह वेले लेके आए सी। अच्छा, मम्मी पापा ये सब गिफ्ट लेके आए थी, पर उन्होंने मेनू क्यों नहीं दसिया? एदे च तां मेरे गगन जी सब दे कपड़े ने। शायद मम्मी पापा ये सब नू देना भूल गए ने, ऐसे लिए तोहफे इत्थे ही रह गए। पर जे उन्हें प्यार नाल लेके आए थी मम्मी ले, पापा ले, दादू दादी ले, तो मैनू लगता कि यह तोहफे मैनू उन्होंने दे के आने चाहिए ने। बाद चो मम्मी पापा नू भी दस दांगी, उन्होंने चंगा लगेगा। भाभी रहन दो ना तुसी। काव्या रोक क्यों रही है? भाभी ठीक ही तो कह रहे ने। चलो भाभी, आप ताई जी सबने गिफ्ट दे के आने। दिव्याना माँ, तुसी कुछ तो खा लो, मैं तुहाडे वास्ते फ्रूट मंगवा दवा। नहीं ताई जी, मैं कुछ नहीं खाना। आय हाय स्यापा, मैं कदों दी सुन रही हूँ नहीं खाना नहीं खाना। थोड़ा कुछ तो मन कर रहा होगा ना खाने लई। फ्रूट लैके आवां, कॉफी नहीं तो हल्दी वाला दुध। क्या ना कुछ नहीं खाना, खान दे नाम ते उस गंदी जी खीर दी स्मैल आना शुरू हो जाती है मैनू, मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। तुसी दोवें तां काव्या नूं मनाउण गईआं सी ना, उहदे पीले सूट लई मैचिंग चुन्नी लब्भी के नहीं? नाले इन्ने सारे तोहफे, ए तोहफे किहदे वास्ते ने? हांजी बीजी, लब्भन तां चुन्नी गए सी, पर ए गिफ्ट्स गेस्ट रूम च पए लब गए। पर ए तोहफे लेके कौन आया है? दादी, इन्हां सारे तोहफ्यां ते सब दा नां लिखिआ है। दुल्हे दे दादी, दुल्हे दे दादा जी, चाची, साढ़े पूरे खानदान दे तोहफे लगते ने। हाँ जी दादी, शायद शिविका भाभी दे मम पापा व्याह वेले पूरे परिवार लई लेके आए सी, पर शायद झिझकदिया नहीं दे सके या भुल गए होने। या फिर वो समझ गए होंगे कि एदा दी घटिया क्वालिटी दे कपड़े इस खानदान दे विच कोई नहीं पाउंदा।